पेड़ों को सहेजने की अनूठी पहल की सराहना करते हुए शहर विधायक ने 5 बिल्डिंग में कृष्ण कुंज उद्यान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संभागायुक्त, दुर्ग महापौर, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक व निगम के कमिश्नर सहित अन्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। शहरी वातावरण एवं पर्यावरण व सांस्कृतिक महत्व के पेड़ों को सहेजने की पहल की सराहना करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा ने शहर वासियों को शुभकामना देते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की संकल्पना से कृष्ण कुंज योजना पौधारोपण को जन जन से जोड़ने, अपने सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और उन्हें विशिष्ट पहचान देने के लिए इसका नाम कृष्ण कुंज रखा गया है। गौरतलब है कि विगत वर्षों में शहरीकरण की वजह से हो रही अंधाधुंध पेड़ों की कटाई से इन पेड़ों का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। आने वाली पीढ़ियों को इन पेड़ों के महत्व से जोड़ने के लिए अनुकरणीय पहल की जा रही है। इसी कड़ी में दुर्ग वन विभाग मंडल के सौजन्य से शुक्रवार को 5 बिल्डिंग स्थित सिविल लाइन में 1 एकड़ के क्षेत्र में कृष्ण कुंज उद्यान का आज उद्घाटन शहर विधायक अरुण वोरा के द्वारा किया गया, जहां इस उद्यान में बरगद, पीपल, नीम और कदम्ब जैसे सांस्कृतिक महत्व के जीवनोपयोगी वृक्षों का रोपण किया गया। साथ ही इस अवसर पर दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, संभागायुक्त महादेव कावरे, दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा, पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव, जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव सहित बड़ी संख्या में वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व पुलिस के जवान उपस्थित रहे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जिले को हरा भरा करने के लिए कृष्ण कुंज के माध्यम से एक अनूठी शुरुआत की गई है, जिसके तहत दुर्ग जिले के अंतर्गत कुल 9 नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज विकसित किया गया है, जहां पर बरगद, पीपल, नीम, कदम्ब तथा अन्य सांस्कृतिक महत्व के वृक्षों का रोपण किया जाएगा। इस अवसर पर दुर्ग वन मंडल ने जिले वासियों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा कृष्ण कुंज से जुड़े और वृक्षों की अमूल्य विरासत का संरक्षण करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।